नतीजा के अंदर आपका उत्साह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वह संकल्प पूरा होने वाला जो हमने मोदी जी को कहा है कि 80 लोकसभा सीट पर 80 कमल खिलेंगे और 80 कमल के उत्तर प्रदेश की माला मोदी जी के गले में पड़ेगी। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। गर्मी की परवाह के बगैर पंडाल में जगह नहीं मिला तब भी खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और विजयश्री से सुब्रत पाठक के गले में डाल करके मोदी जी के साथ कार्य करने के लिए उन्हें दिल्ली भेजना है। बहनों और भाइयों, ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत जिस भारत में आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और जिस भारत में विकास है तो विरासत भी है। आपकी आस्था का सम्मान है। याद करिए, याद करिए, अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर, और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। मुझे एक बात बताओ, जीजक के कितने लोग थे जो लोग अयोध्या में अब तक दर्शन करके आ गए हैं? काफी बड़ी संख्या में लोग गए हैं। और मैं यहां पे कहूंगा श्रीमती पूनम संखवार जी से भी और श्री सुब्रत पाठक जी से भी कि चुनाव के बाद मौका निकाल करके एक बार दर्शन कराने के लिए इन लोगों को जरूर लेके चले जाइए थोड़ा। बहनों और भाइयों, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है। अरे ये लोग तो धन्य वाई हुआ, दूसरे लोग में अपने पूर्वजों को बताने के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि आपकी आस को, आपके संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने, हमारे वोट ने उसको पूरा करने में योगदान दिया है। आप भी कह सकते हैं उन तक जब जाएंगे, ये जवाब देने के लिए आपके पास उस समय वक्त होगा, कह सकते हैं कि देखे आपका जो संकल्प था उस संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखा है और इसमें हमारा भी योगदान है। आपका योगदान, आपका योगदान इस रूप में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की दोनों सरकारों को आपके वोट से बनाने में योगदान मिला है, आपका वोट मिला है, तब सरकार बनी है। और इसीलिए अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा हुआ है, प्रभु राम विराजमान हो गए, 500 वर्षों की अद्भुत घटना घटित हुई है। और बहनों और भाइयों, 500 वर्षों की इस अद्भुत घटना के लिए 500 वर्षों में पहली बार प्रभु राम ने अपनी जन्मभूमि पर होली भी खेली और अपना जन्मदिन भी मनाया है। पहली बार भगवान राम का सूर्य तिलक भी हुआ है। बहनों और भाइयों, ये अद्भुत घटनाएं कभी कभी घटित होती हैं और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इस नए भारत में सब कुछ देख पा रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि नया भारत, ये नया भारत, बहनों और भाइयों, ये नया भारत केवल बोलता ही नहीं है, करके दिखाता भी है, करके दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे ना, बोलते थे ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इनके समय में अयोध्या में आतंकी हमला हुआ था ना, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाएंगे और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेंगे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर अजमाइश करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा वह सौगंध याद रखना कि सौगंध राम की खाते हैं, यही खाते थे ना, आज तो पूरा हो गया है। अब भारत के निर्माण के लिए, नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पूरा देश ले रहा है, उस संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर आ गया है। बहनों और भाइयों, यही अंतर है कांग्रेस समाप्त सपा में और बीजेपी में। बीजेपी का संकल्प देश के खातिर है, देश के नाम पर है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत इसलिए जिससे आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन दे सके। उनको सत्ता इसलिए चाहिए कि कांग्रेस के परिवार को, सपा के सेफई परिवार को धन संपदा से परिपूर्ण करके अपने परिवार के लिए वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित के लिए, वे परिवार के हित के लिए, ये राष्ट्र के हित के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। और इसीलिए राष्ट्र के हित के लिए लड़े जाने वाले इस चुनाव में आपका समर्थन लेने के लिए हम लोग आए हैं आपके पास। समाजवादी पार्टी के समय में क्या हालत थे प्रदेश के, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, गुंडागर्दी का आलम यह था कि प्रदेश में बेटियां पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदारों के या छात्रों के छात्रावास में रहने के लिए मजबूर होती थी। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, और नए भारत में आप देख रहे होंगे नया उत्तर प्रदेश आज कहता है कि माफिया और अपराधी के लिए प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज माफिया और अपराधियों को उनकी जगह ठीक बता दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके प्रति है? याद करिए, परम राम भक्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु होती है, और कल्याण सिंह जी की मृत्यु होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने एक भी संवेदना के शब्द नहीं व्यक्त किए। इतना बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर दिवंगत होते हैं, समाजवादी पार्टी उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करती है। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी, मैं स्वयं गया था, मेरे प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ गए थे, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की थी। एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है, लेकिन यही अखिलेश यादव और यही समाजवादी पार्टी माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए गया था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इनकी संवेदना आपके प्रति नहीं है, राम भक्तों के प्रति नहीं है, राम मंदिर के प्रति नहीं है, भारत के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है, इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, इनकी संवेदना अपराधियों के प्रति है, इनकी संवेदना भारत के खिलाफ जो वक्तव्य देते हैं उनके प्रति है। और इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है,